नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल फिनिक्स फ्रॉम टिपिक्स। तो आज के हे डे टू, आप होटेल के चेकआउट कर मथुरा। आशा कर मथुरा रास्ता को खुला है, क्या सकाले ड्राइवर के फोन कर तो बोलो रास्ता एक खोला तो आज हावई चप्पल को रखा कू घूर कत की हलो तुम्हार वृंदावन ना कि एक मेमोरी देखे जाए। चलो हमें रूम छेड़े दीची, चलो सब ही नहीं तो शाहजहान और वाइफ টম ছিল আইফেল মেমোরিতে টম মেমোরি মেমোরিতে টম মিঠা একটু শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে বেটা বেচারা রোদে গরমে একবার এসি একবার নন এসি করে একটু সর্দি হয়েছে তো সকালে একটু নেজোক্লিয়ার দিয়েছি মেরে কোনি জানে দি अंदर क्या किए क्या यहां मेरे दोस्त का दूसरे का फ्लैट है उसके फ्लैट पर अच्छा अच्छा गाड़ी वहीं नीचे खड़ी करी गाड़ी पूरी धोई है सवेरे ये लोग गंदगी मचा के रखा है बिल्कुल बंदे को अंदर नहीं जाने दे रहे जिनका घर है उनको गाड़ी अंदर लेकर नहीं जाने दे रहे कह रहे गाड़ी पार्किंग में खड़ी करो और जाओ पैदल इतना बुरा हाल कर रखा है सब तो पैदल ही जाना पड़ रहा है ऊपर से कल बांके बिहारी मंदिर में इतना भीड़ अंदर तो घुस ही नहीं पाए बाकी दिन आओगे ना तो हमारे गोसाई जी है वहाँ पे मैं खुद इसीलिए नहीं गया भीड़ के चक्कर में हमारे गोसाई जी है वो VIP दर्शन करवा देते हैं मैं खुद नहीं गया इस चक्कर में मेरे को पता है भीड़ है भाई जब बंद रास्ता कर रखे हैं तो इसका मतलब भीड़ होगी वहाँ पे मंदिर में तो मंदिर है छोटा भीड़ उतना ज्यादा था नहीं एक्चुअली ये लोग इतना ये कर दिया है ना इन लोगों लोग परेशान हो चुके हैं एक गाड़ी भी नहीं चल रहा है बिल्कुल और जनरली सब यहाँ पे क्या एजेड लोग ज्यादा आते हैं उन लोगों को तो और दिक्कत मेरे सामने मैं 3 घंटे खड़ा रहा हूँ इतनी बहस हो रही थी लोगों की आगे बिहार के बंदे भी बहुत ज्यादा बहस कर रहे थे बोले तुमने अपनी दादागिरी चला रखी है हम बुजुर्ग लोगों को कहाँ लेके जाए तुम चल के देखो ना इतना पैदल बहुत बहस करी मेरे सामने मेरे से भी काफी बहस हो गई इनकी मैंने कि भाई हमारा घर है भाई जाएंगे क्यों नहीं बोले गाड़ी लेके नहीं जाओगे पैदल जाओ मना कौन कर रहा है लोग आगे इतना पैसा खर्च करके बंदा आ रहा है मामा प्यार से दर्शन नहीं कर पाए फायदा क्या आने का बेकार हो गया पूरा ट्रिप ऐसे टाइम पे कभी नहीं आना चाहिए चलो पता भी नहीं था कि बीच में आ रहा वही बीच में आ रहा था किसी को किसको पता था जब कोई त्योहार ना हो कोई कुछ ना हो ना तब खाली उसमें आओ खाली मिलेगा कहीं घूमो कहीं कुछ करो जब कोई ऑरेंज बैग पे देखो ऑरेंज बैग पे चलो ठीक है चलो अभी मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी करी जाके पार्किंग के गेट पे पुलिस वाला है भाग रहा है यहाँ से नहीं चालान करूँ फिर मैं एकदम बढ़ा के वहाँ से राइट में घुसा दिया बस ये बंद कर रखा है ना सारी कमी तो इनकी है कोई भी रास्ता नहीं खुलेंगे तो कहाँ जाएगा ट्रैफिक आज के हमारे मथुरा जेते पे लगना कितने कहने जाते हो बोलो क्या कि मथुरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गए और अनेकटा भीड़ है क्योंकि आज के संडे मथुरा मेट्रो स्टेशन ये कर दी बड़ा भी जाएगा और आपका गाड़ी का जो किराया है ना गाड़ी का किराया हमारा जाने का एक साइड का है इधर से ले जाने का हम जाएंगे बाकी आपको देना लौट के ये देखिए बाकी हम आपकी मध्य 3 से 4 घंटे हाथ बांध के खड़ा होना लाइन में तो आप जाएंगे
इससे बेस्ट जाना तो आप बताओ, सब कुछ दिखा लाएगा आपको और आपकी फैमिली। बाकी जो है आपकी, हम तो भारत सरकार से, हम तो गवर्नमेंट पर्सन होते हैं, हमारा बताना पड़ता है हाइट डाउन टू टॉप 243 फीट साइड है, 243 फीट जो ताजमहल साइड में 4 प्लस मीनार्स देखते हैं, मीनार्स की हाइट होती है 181 फीट। ताजमहल स्ट्रेट है, सीधा पिलर को स्ट्रेट नहीं, ऑल प्लस बैंड, ये चारों पिलर टेढ़े झुका में आउटसाइड बैंड है, प्लस सेल्फ बैंड हुए, अपने आप से बैंड हुए। तो इंजीनियर उस्ताद ईसा खान आफंदी अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा आफदी, ऑल ग्रेट आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, अपने ड्राइंग में सारे प्लस को बैंड डिजाइन किया, बाद इनको बैंड बिल्ड किया, झुकाव में डिजाइन किया गया, झुकाव में बनाया गया, झुकाव में इसलिए बनाया क्योंकि कभी जब फ्यूचर टाइम में अर्थ के भूकंप जब आएगा तो उनका कोई प्लट टूट सकता है। हाइट बहुत ज़्यादा है, बेस छोटा है, स्मॉल बेस होने के कारण जब प्लट टूटे गिरे तो बाहर ब्लैंक एरिया में गिरे, खाली गार्डन की तरफ गिरे, यमुना नदी की साइड गिरे, बट कोई प्लस ताज के डोम्स के ऊपर ना गिरे ताकि ताज उनको डैमेज ना कर सके, तोड़ ना सके। अगर ये प्लस सीधे 90 डिग्री पर स्ट्रेट होते हो सकता है भूकंप आने की कंडीशन में ताज के ऊपर गिर जाते तो ताजमहल को तोड़ देते, डैमेज कर देते। और इस ताजमहल को बनाने के लिए फिर से उसी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट जरूरत होती है जिसने ताजमहल बना के रेडी किया, इंजीनियर इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते, इसलिए ऑलरेडी ताजमहल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, जब गिरा तो बाहर गिरा, ताज के ऊपर ना गिरे ताकि ताज को लॉस ना हो, नुकसान ना हो। देखिए सर, पिलर को टूट जाना पॉसिबल है तो रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन ताजमहल एक अनब्रेकेबल बिल्डिंग है, ताजमहल अर्थक्वेक से भूकंप से कभी ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, कभी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ताज का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, वुडन का है, लकड़ी का है, इस लेवल के समथिंग 100 फीट डाउन एरिया में टीक वुड को लगाया, टीक वुड की अपनी क्वालिटी रहती है, लकड़ी को जितना पानी मिलेगा वाटर अब्जर्व करेगी, स्वेलिंग करेगी, एज लॉन्ग होती रहेगी, लकड़ी कभी सड़ेगी गलेगी नहीं, यदि वो ड्राई हो जाएगी तो डैमेज हो जाएगी, वुडन ड्राई ना हो इसलिए नीचे वाटर लेवल पर सेटल किया, यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो तो ताजमहल को डायरेक्ट यमुना नदी के किनारे बनाया। বাবার সঙ্গে কলে কলে এখন ঘুরছে, প্রচন্ড রোদ, আসলে গরম লাগছে। জল আছে, হ্যাঁ জল এসছিল মাঝখানে, যমুনা রিভার, কেন মা এই দেখো রিভারটা, এই জলে চান করবে নাকি, চপং চপং করবে, চপং চপং করবে, এখানে ফিস আছে, এখানে ফিস আছে,
ফিশ আছে মাঝখানে যমুনা সরু ইয়ে কয় একটা ইয়ে নালী টাইপের হয়ে গেছে কত জল দেখা এখানে এই যমুনার জল তো রেড ফোর্টের ভিতরে ঢুকে গেছিল এই যমুনার জল না লাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে আমাদের ফিশ ফ্রাই স্টিম রাইস ডাল ফ্রাই বিশু চিকেন বিরিয়ানি আজকে আলু পোস্ত আছে আমি আলু ভেজে মানে উপর দিয়ে পোস্ত হ্যাঁ দেখো এটা ওটা আমিও ছেড়ে তো বলছি এটা আলু ভেজে তার উপরে পোস্ত ছয়ে দিয়েছি কালকে আমি কাকুকে অপশন দিয়েছিলাম কালকে খাওয়ার জন্য রাত 8:30 আমরা এখন ব্যাক টু বাড়ি আর এখন রান্নাঘরে আমার বর ঢুকে আছে চা বানাচ্ছে সবারই জন্য চা খাবার পর তারপরে আমি রান্নাঘরে ঢুকবো রাতে ডিনার করার জন্য তো ডিনারে আজকে আমি বানাচ্ছি ডাল আলু সিদ্ধ আর ভাত কেন কি বাইরে অতিরিক্ত খাওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে একটু প্লেন প্লেন খাই ওই জন্য আজকে সিম্পল রান্না করছি রাত্রে আর বৃন্দাবনের ট্রিপের কথা বলি তো এই তো পুরো ব্লগটার মধ্যে দেখতেই পারবে যে কি অবস্থা হয়েছে আমাদের এক প্রথম কথা তো উইকেন্ড ছিল উইকেন্ডে তো অলরেডি ভিড় থাকে তারপরে আবার পড়েছে তীজ ওই জন্য আরও রাশ বলে আমরা তো বাঁকেবিহারী মন্দির ঘুরতে পারিনি মানে ঢুকতেই পারিনি তারপরে আবার তীজের জন্য তো সব বন্ধই করে দিয়েছে অটো চলছে না ওদিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে কি বলবো কিছু বলার নেই মানে ঠাকুরের জায়গা বাট স্টিল সেইভাবে অতটা মানে এনজয় করা যেতে পারেনি তো ঠিক আছে যাক আগ্রাটা ঘুরেও একটু ভালো লাগলো আর তারপরে সবার সঙ্গে একটু বেশ অন্যরকম লাগে একটা বাইরে বেরোনোর একটা অন্যরকমের মজা এমনি টুকটাক সব মিলিয়ে ঠিকই ছিল চলো তাও বিশেষ ছিল না বাট ঠিকঠাক ছিল তো আবার দেখি পরে আবার যদি কখনো প্ল্যান হয় তো সেটা আবার পরে প্ল্যান করা যেতে পারে মিঠার স্টোন তাজমহল থেকে বেরোবার পর অনেক গভর্নমেন্ট হ্যান্ডলুম শপ ছিল যেখান থেকে আমি আর মা দুটো শাড়ি কিনলাম তো এই শাড়িটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কলার সুতো দিয়ে তৈরি মানে যে থোড়টা ইউজ হয় থোড়ের যে সুতোটা থাকে সেটা দিয়ে শাড়িটা নাকি তৈরি তাই তো বলছে ওরা জানি না আমরা তো এটা একটা শাড়ি আমি নিয়েছি আর এই ইয়েলো কালারটা এটা মা নিয়েছে তো টুকটাক একটু শপিংও করা হয়ে গেল আমাদের তো চলো গাইজ আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করি আবার শিগগিরই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে টিল দেন টাটা বাই বাই